डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है केदारनाथ अग्रवाल की पुण्यतिथि। केदारनाथ अग्रवाल आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि और कथाकार थे जो अपने जनवादी विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। आज यानी 22 जून को इसी महान साहित्यकार की पुण्यतिथि है। ये बुंदेलखंड के एक प्रसिद्ध हिंदी भाषा के कवि थे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को बांदा उत्तर प्रदेश में जबकि मृत्यु 22 जून 2000 को बांदा में हुई थी। ये पेशे से वकील थे और इनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा। ये प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य थे। बाबू केदारनाथ प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जहां एक ओर जनसामान्य और प्रकृति का सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है तो वहीं संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अनन्यतम विशेषता है। केदारनाथ के काव्य में बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ अभिव्यक्त होता है। वह कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। उनकी प्रमुख काव्य कृतियों की बात करें तो नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आकाईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी आदि हैं। प्रमुख पुरस्कारों और सम्मानों की बात करें जो उन्हें मिले तो उसमें शामिल है 1973 में मिला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 1996 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1981 में उन्हें हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश पुरस्कार मिला तो वहीं 1996 में उन्हें तुलसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।